कितनी हो रही है, पूरा घिस चुका हूं ये देखो यार। तो ये हमारी गाइस ससुराल है, ऐसे काटोगे ऐसे तो कटे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम अपने जा रहे हैं ससुराल। और देखो ये तो सो रही है, ऐसे तो कोई फिक्र नहीं, ऐसे ही जाना जब कोई जिसे वहीं छोड़ कर या हाँ देखिए तो सो रही है। मैं उठा पड़ा हूँ, एक घंटे हो गया और मैंने पापे भी लागे रख दिए, सब काम कर दिया। देखो पापे ये रखे नाश्ते के लिए, ये उठ ही नहीं है ना, भी आने वाले कपड़े पहनेंगे जो आपको मैंने ब्लॉग में दिखाए थे कल। तो फाइनली दोस्तों वो उठ चुकी है, अब बनेगी हमारी चाय, हम चाय पियेंगे भाई, इसके बाद हम तैयारी करेंगे जाने की। देखो बैग भी तैयार रखा, दो दिन पहले से बता के तैयार रख रखा इतनी जाने की खुशी है, वो भी तो वही कई महीने गई, खुशी को नहीं होगी दोस्तों अपनी आएगी चाय। दोस्तों मैं नहा धो लिया हूँ, अब देखो जादू ये देखो कपड़े दे पहन के रेडी। और भाई कैसा लग रहा हूँ मैं बताना भाई जरूर कमेंट में जरूर, ठीक है दोस्तों। और अब चलते हैं मार्केट, तो मुझे वहाँ जाना, तो कुछ मिठाई लानी है और एटीएम से पैसे भी निकाल के लाने हैं, तो जरूर बताए ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं बाजार। वाली लोगों पसंद नहीं थी तो मैं वो दिया यार, कलर मैच नहीं हो रहा था, मैच तो अब भी नहीं हो रहा, तो फिर मैं ये वाली दिया, बहुत ही अच्छी लग रही है देखो आप, यही भाई इसका कलर तो कुछ अलग ही लग रहा। तो दोस्तों हमारी गाड़ी तैयार हो, अब चलते हैं भाई, चल दिए हैं और दिवाई से निकल चुका बाईपास रोड पे हैं, दिवाई के जो दिवाई में है, और फिर मिलते हैं आपको ठीक है। बारिश हो रही है भाई, जन्ना आ रहा है बहुत तेज का, हम दिखते हैं काफ़ी लोग थोड़े बहुत दिखते हैं, और गुन्नौर भी सामने ही है, गुन्नौर भी पहुँचने वाले हैं, तो बारिश हो जाएगी तो फिर यहाँ से चलेंगे एकदम बबराला, यहाँ भी बहुत बारिश हो रही है, तो आता हूँ मैं। कितनी हो रही है, पूरा भीग चुका हूँ ये देखा जाए, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा भीग चुका हूँ, बारिश और भीग रहे हैं, डर लग रहा है तबीयत खराब ना हो जाए, फिर इसको बारिश हो रही है, बहुत ही कम लगी बारिश हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा भाई। अदरक वाली चाय और भाई बहुत ठंडी लग रही है ना, तो चाय पियेंगे भाई फिर गर्मी आ जाएगी दोस्तों, पीते हैं इसको। इस्लाम नगर चौराहे पास में ये इस्लाम नगर का चौराया ये है भाई, और सीधे आप जाओगे तो हमारे मामू का घर अंदर को, और हमें जाना इधर और सामने है दरगाह शरीफ, तो चलते हैं इधर को, फिर मिलेंगे आपको वहाँ जाके। ये ऐसे आए अपने ससुराल, ठीक तो हुए पूरे, हालत देख रहे हो क्या हो रही है, लेकिन मजा खुआ रहा है बस, टेंशन किस बात की बात, पीछे जो रखा है ना बैग ठीक है यार, रोज यार थोड़ा सा खराब है यार, देख रहे हो पूरा भीग गए थे हमने कपड़े पहले पहने अपने, पहले अमजद भाई के कपड़े हैं ये, इनके हमने पहने हैं भाई, पूरे भीग गए थे भाई, तमाम ख़राब हो गई हालत, और नाश्ता वास्ता सब हो गया और लेटे आराम से भाई। तो ये हमारी गाई ससुराल है, देख सकते हो ये धान वान लगे हैं, और ये है हमारा, ये देखिए पूरा उधर किचन है, ये स्टोर है, और सामने देखो भैंसे पलती हैं यहाँ पे, भैंस भी है, गाय भी है, बछड़े का बच्चा भी है यार। बारिश अभी तक बंद नहीं हुई है, जब से आए देखो बारिश अभी तक हो ही रही है आपकी, देखो जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं, अभी तक हो ही रही है बारिश भाई, वरना खाना आगे बना रही है भाई ना दोस्तों। और ये है कोल्ड स्टोर, और वो किचन है, और ये सब पूरा नज़ारा है इसका, अब जाएंगे हम छत्ते को ऊपर, वो यहाँ से ऊपर चलते हैं भाई ऊपर। और ये भाई आ गए हम ऊपर, ये देखो भाई पीछे का नज़ारा पूरा एकदम खुला खुला है, वहाँ से आए थे उस रास्ते से, ये रास्ता उसका मेन बढ़िया मौसम हो रहा है, हवा चल रही है बेहतरीन वाली, पूरा भाई कोई भी नहीं है, तो खाली एकदम मतलब कह देगा तो चलना पड़ रहा खेत में, घुसो यार मतलब चिल्लुल पड़वा होगा अपनी है, चलो जा फिर, इतनी सारी धान है यार, इतना खेत देख रहे हो ना, वहाँ से लेके माता पूरा, और हम जब भाई भी अपने ही हैं, ये काट रहे हैं, ये भी अपने ही है, खचा खच काटे जा काटे जा काटने ही काटना है, लाइफ तो काट ही रही है अपनी, सही बात है, काटते हैं भाई देख के, काट के देखते कैसा लगता है, और ये हम जब भाई वीडियो बनाएंगे मेरी, ऐसे काटोगे ऐसे तो कटे ऐसे काटे, चलो रखो 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 और काटो, हाँ काटो बस बहुत है भाई, हो गया बस बस बहुत, पहली बार अपनी जिंदगी में धान काटा, हम तो अपने कट गए हैं, और अब चलते हैं ये धान आएंगे अपने घर पर आ चुके हैं हम, ये है अपना घर भाई, और ये पीपड़ में निकल रहा है, ये चिल्लर बाड़ी है भाई। दोस्तों रात हो चुकी है, और बनना इधर खाना, हलीम बनना इधर की हलीम, चूल्हे और ना भाई चूल्हे पर खाएंगे फिर चोर वाला। तो दोस्तों रात हो चुकी है, ये हमारा बेड है, इसी बेड पर हम सोएंगे, ये कैसा बजा रही है, और यहाँ पे ये हमारा घर है ससुराल, ये रूम है, हम चल रही है टार्जर फिल्म,
ये देखो हमारा भाई साला, और ये बाहर चले जाओगे आप। तो मैंने कपड़े सूखने को डाल दिए, अभी गीले हैं फिलहाल, चारों गीले हैं भाई। टी शर्ट पे तन धब्बा से भी लग गया यहाँ पे यार। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका, हम आ गए बाहर टहलने। बहुत अच्छी चल रही है भाई, बारिश इतनी कर दी हुई है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। तो दोस्तों रात हो चुकी है और सोते हैं, हम मिलेंगे आपको सुबह, गुड मॉर्निंग के टाइम। तो सुबह हो चुकी है और मैं उठ गया भाई 7 बजे, और मेरे कपड़े जो है ना अभी तक भीगे हुए हैं यार, सूखे नहीं हैं, सब गीले हैं यार, कैसे जाऊँगा फिर मैं यहाँ से। तो मशीन में डलवा के सुखाऊंगा। नाश्ता कर लेते हैं अपना। तो चलिए दोस्तों चाय नाश्ता अपना हो गया, अब देखते हैं चलते हैं भाई दूसरा नाश्ता देने अपने ससुर जी को, यानी वो खेत में हैं, चले गए थे सुबह के रहे थे। मुझे नाश्ता वहीं पहुंचा देना, नाश्ता तो करा दिया हमने, ये खाली थैली लेके जा रहे हैं। और ये देखिए भाई कितनी सारी पौधे लग हुई हैं, ये देखिए पूरी भाई पौधे पौधे, इधर देखो खेती बाड़ी चल रही है, तो मेरे पीछे भी खेती बाड़ी चल रही है। तो हमारा घर है देखो भाई, वहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा बहुत मैं, देखो वो घर है हमारा जो है ना, वो घर है वहाँ जाना। चलते हैं भाई, पहले झूला झूलना होगा, झूला देखा आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। तो वहाँ झूलेंगे भाई, पहला आया तो पहले नहीं, पहले वीडियो नहीं बनाई थी, झूला तो था, अब झूलेंगे दोबारा। पाटकपुर का झूला, ये पाटकपुर गाँव है, इसमें पूरा गार्डन है, यहाँ पे बैठो बैठो उठो, अरे सब तोड़ दिया, वो बैठने बैठने वाले सिस्टम भी तो है, पहले एक बचा बस खाली, वो बस बाकी सब तोड़ दिए, सब तोड़ दिए। ये आ गया भाई झूला अपना, अब इस पर झूलेंगे हम, तो इस पर हो जाते हैं अब सवार। डन है ना, ना गिरेगा क्यों, चलूँ सर, चालू करूँ, चालू करा, हाँ चालू करो यार। चलो चालू है, सेकंड चल के देखो ये झूले पे झूल ले, पहले झूले से भाई अपने झूला पे मजा आ रहा है भाई, बचपन वाली याद आ रही है, पहले झूलते हैं। चलते हैं, बहुत झूल लिए और अब घर चलते हैं, टाइम भी हो चुका काफ़ी, 1 घंटा हो चुका हमें यहाँ पे। दोस्तों घर आ चुका, ये हमारा घर भाई, मेन गेट खोलो भाई इसको। तो कपड़े सूख गए, मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ भाई, और अब मैं यहाँ से निकलूँगा 4 बजे करीब। तो अभी खाना बनना, खाना पीना खाएंगे, और हमारी मुमानी भी आ रही है इस्लाम नगर से, उनकी लड़कियाँ तो आ गई हैं दोनों, यानी कि मेरी बहन भी लगी, मामू की लड़की है मेरी अलीशा मंतशा। खाना बनने में तो टाइम है, पहले आपको मैं दिखाता हूँ नींबू का पेड़, नींबू का पेड़ दिखाते हैं कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लगा, इतने बड़े बड़े नींबू भाई, इस पर चलते हैं भाई। पर मैंने इतना सारा ये है भाई, तेरे को है नींबू का पेड़, अरे सब पता अमरूद है, अच्छा इधर अमरूद का पेड़ है, इधर नींबू का पेड़ हो भाई, नींबू तो बाकी बड़े बड़े हैं, कच्चे हैं अभी, और कल जो तोड़ के लाए वो कहाँ से लाए फिर, अरे हाँ एक पका हुआ है, वो देखो वो हैगा, देखो वो है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन, आगे मुवानी आ गई, गाड़ी की आवाज़ आ गई ना, नीचे वाले ये हैंगे भाई नींबू, कितने बड़े बड़े नींबू, बहुत सारे नींबू वाले, तो कितना बड़ा है, इनका तेल गलता है ऐसे, इसमें निप्पी पर मैं डाल देते हैं, बहुत ही कर्री वाली आ रही है भाई, आँखें बंद से हो रही है, ये पानी ब्लू हो रखा है इसके अंदर, ये भाई पूरा पेपर में ऐसे निकलता है। और मेहमान भी आ गए हमारे, मुवानी आ गई, गाड़ी यही खड़ी अपनी, तो खाना बन चुका, खाना खाते हैं अब, ये हमारा खाना तैयार। मेरा जाने का टाइम हो गया, तो फिर से बारिश हो गई, देख रहे कितनी बारिश पड़ रही है, बहुत तेज पड़ रही है, तो मैं दिखने रहा हूँ कैमरे में, किसी काली घटाई सी छा रही है भाई, बारिश बंद हो गई, अब चलते हैं घर पे, को मौसम फिर बिगड़ रहा। तो घर से निकल चुका हूँ मैं, और इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो भाई ब्लॉग पसंद आया तो कहूँगा तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आगे तो भाई शेयर करना वीडियो, ताकि हमारे लाइव लोग वीडियो देखें, और चैनल पर नए हो तो वो भी सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।